इंदौर, इंदौर सपनों का शहर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की इन छोटी छोटी गलियों में रहती है वो लड़की जिसने कर दिखाया कम उम्र में बेहद बड़ा कमाल। तो आइए हम देर किए बिना उसके घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे उसने सीए कम उम्र में पास किया। अपने परिवार का सपना यूं ही पूरा करने का दम हर किसी में नहीं होता, इसके लिए बेहद मेहनत और लगन की जरूरत होती है। दिस इज श्रीय सृष्टि सोनी फ्रॉम इंदौर। आई एम ए रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज मैं यहाँ हूँ डॉक्टर दर्शना सोनी के साथ अपनी सीए जर्नी शेयर करने के लिए। मैंने अपना सीए जर्नी 2016 में स्टार्ट किया एक छोटे से सपने के साथ में, जो मैंने करीब 10th क्लास में ही देख लिया था कि मुझे क्या करना है। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक बड़ा पेड़ लगने के पहले उसका बीज आना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो बीज मेरा आया मेरे पापा के थ्रू। जैसे कि वो एक कॉमर्स टीचर हैं, तो शुरू से मेरा रुझान भी कॉमर्स की तरफ ही रहा। जब मैं इस फील्ड में घुसी तो मैं ये चाहती थी कि मैं अपना बेस्ट करूं, और उन सब बेस्ट चीज़ों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा कि मैं सीए बनना चाहूँगी। फिर मैंने अपना पाथ वही चूज़ किया और इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ती गई और आज यहाँ आप लोगों के सामने एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में बैठी हूँ। सक्सेस के बारे में तो सभी बात करना चाहते हैं, पर आज यहाँ मैं अपने फेलियर्स के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। फेल होना किसी इंसान के लिए उतना ही बुरा होता है, मतलब जितना उसने कभी अपने सपने में सोचा ना हो, कोई ऐसे पर्सन के लिए जिसने हमेशा टॉप किया हो। मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करती थी स्कूल तक तो, पर जैसे ही मैंने इस जर्नी में एंटर किया तब मुझे फेलियर का असली मतलब समझ में आया कि फेल होना भी कोई बात होती है। मैंने IPCC के मेरे अटेम्प्ट्स 2 बार दिए। पहली बार में मैंने नहीं निकाल पाई, सेकेंड बार में मैंने उसे क्लियर किया। तो अगर मैं अपने फेलियर्स के बारे में बात करूं, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि फेलियर किसकी लाइफ में नहीं होते। हर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में एक ना एक बार उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है, पर बात यह है कि आप उस फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। वहाँ पर आपको ये तराशना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने गलतियाँ कहाँ करी है। अपने पिछले फेलियर से आपको अपने आप को तराशना होगा। हम हमेशा किसी और पर दोष मार देते हैं, हम अपने फेलियर को खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ शायद ये गलती मुझसे हुई होगी। ये चीज़ मैंने अपने पापा से जानी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं एनालाइज करूँ कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी है, और इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए मैं आगे सक्सेस पाई। वो मोमेंट बहुत ही हिला देने वाला होता है जब आपकी मार्कशीट पे आपको 4 वर्ड 4 लेटर्स फेल के लिखे हुए मिलते हैं। हाँ होता है, शॉकिंग होता है कि आप उस चीज़ से एक बार उभर नहीं पाते हो, पर आपके लिए बेटर वो होता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये नहीं जानना है कि आपने ऊपर ऊपर से क्या गलतियाँ करी हैं, आपको उसका एक डीप एनालिसिस लेना होगा। आपको शुरू से आपकी जर्नी को रिवाइंड करना पड़ेगा कि आपने वो प्लानिंग कैसे करी है। हाँ हो सकता है आपकी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो, इसलिए आपको वो प्लानिंग पूरी रिवाइज करना पड़े। हो सकता है आपकी बुक्स में कुछ कमियाँ हो, तो शायद आपको उन बुक्स को वापस रिवाइज करना पड़े। मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने शुरू में सारी रेफरेंसेस यूज़ करी एक अटेम्प्ट में। मैंने क्या किया, जो बच्चे पढ़ते जा रहे हैं ये रेफरेंस भी पढ़ लो, वो रेफरेंस भी पढ़ लो, पर मैंने ICI का जो स्टडी मटेरियल है उसे इग्नोर किया। तो एक एडवाइस में सबसे ज़्यादा तो आपको ये देना चाहूँगी कि जो आपका प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल ICI का है वो आपके लिए बाइबल होना चाहिए। रेफरेंसेस में कई तरह की चीज़ें होती है जो हर ऑथर अलग अलग अपने तरफ से लिख रहा है, पर जो ICI जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो उसका गॉड फादर है, उसकी बुक्स को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो शायद आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप एक डीप एनालिसिस लीजिए कि आपसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं, एक एक स्टेप को पकड़िए और खुद को एनालाइज कीजिए। या आपको कोई बाहर वाला पर्सन आके नहीं बताएगा कि आपने ये गलती करी है, क्योंकि वो आपको उतने अच्छे से जानता ही नहीं है जितने अच्छे से आप खुद अपने आप को जान पाएंगे। तो एक बेस्ट एडवाइस मेरी यही है कि आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए और आगे बढ़िए। तो
अगर हम स्टडी के इन्वायरमेंट की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं कि सबको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बने मिले। हाँ, लोग लाइब्रेरी जाते हैं पर हर कोई उस लाइब्रेरी को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन्हें अपने घर में पढ़ना होता है, सभी का एक इन्वायरमेंट होता है। पर अगर आप चाहें कि आपको वो इन्वायरमेंट बना बनाया मिल जाए तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे आपको अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। कहते हैं ना कि कोई किसी को अगर पढ़ना होता है तो वो दिए की रोशनी में पढ़ लेता है, और अगर किसी को नहीं पढ़ना होता है तो वो बड़े बड़े हेलोजन के बीच में भी नहीं पढ़ पाता है। तो अगर इन्वायरमेंट जैसे हम देखना चाहें तो कई रुकावटें मेरे जर्नी के बीच में भी आई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और मेरा घर ऐसे एरिया में है जो बीच मार्केट में है, तो नॉइज़, डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें टैकल कैसे करते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है। ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर समय पर शोर लग रहा है तो ये आपका कॉल होना चाहिए कि आप उस समय से हटके आपका टाइम दूसरी तरफ कर लें। तो पूरी जो बात है वो एक कंसंट्रेशन पे आके रुक जाती है और आपके जुनून पे आके रुक जाती है। कोई भी ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोके। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस बेल आइकॉन।